नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। स्वरूपगंज थाना शुक्तर के ग्राम पंचायत कैर के खोखड़ी खेड़ा में घर के आंगन में 5 साल के मासूम को जहरीले सांप ने काटा। बच्चे की बिगड़ी तबियत, बच्चे को उपचार के लिए लाया गया स्वरूपगंज में, जहां उसका प्राथमिक उपचार बाद सिरोही रेफर किया। स्वरूपगंज थाना शुक्तर के ग्राम पंचायत कैर के खोखड़ी खेड़ा में घर के आंगन में खेल रहे 5 साल के मासूम किसान पुत्र कदरू गरासिया खोखड़ी खेड़ा निवासी को जहरीले सांप ने काट लिया। जहरीले सांप के काटने से बच्चे की तबियत बिगड़ गई। परिजन बच्चों को उपचार के लिए स्वरूपगंज अस्पताल लेकर आए, जहाँ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामलाल, मेल नर्स राकेश कुमार रोहत बच्चे का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने से 108 एम्बुलेंस की मदद से बच्चे को सिरोही रेफर किया। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।